सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। शङ्खचक्र कदाचारं गृहेत परमायुधे
ప్రసీద వైష్ణవే రూపేణ నారాయణే నమస్తే. నేత్ర మహాచక్రే దశాధివసందరే వరాహరూపిణే శివే నారాయణే నమస్తే. నృసింహరూపేణోగ్రేణ అంతర్జాగృహోద్యమే త్రైలోక్యదాన సహితే నారాయణే నమస్తే. కిరీటనే మహాభజ్రే సహస్రనయనోజ్వలే నేత్ర ప్రాణహరే చంద్రే నారాయణే నమస్తే. శివదూతే స్వరూపేణ హతదత్యా మహాబలే ఘోరూపే మహారావే నారాయణే నమస్తే. దష్టాకరాలవదనే శిరోమాలా విభూషణే చాముండే ముండమదనే నారాయణే నమస్తే. లక్ష్మీలజ్జే మహావిద్యే సజ్జే పుష్యేశ్వరే ధ్రువే మహారాత్రి మహావిద్యే నారాయణే నమస్తే. మేదే సరస్వతీ వరే భూతి బాభ్రభిధామసి నియతే త్వం ప్రసీదేశే నారాయణే నమస్తే. సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తి సమన్వితే భయరస్రాహినో దేవీ దుర్గే దేవీ నమస్తే. ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయభూషితం వాతు నః సర్వభీతిభ్యః కాత్యాయనే నమస్తే. జ్వాలకరాలమత్యుగ్రహశేషాశ్వరశోధనం ఋషోగం పాతు నో భీతర్భద్రకాళే నమస్తే. నిరస్తి స్వేనాపోజయాజగత్ సఘంటా పాతు నో దేవీ పాపేర్యోనాశ్రుతానివ అసురాశ్రీవసపంకచర్చితస్య కరోజ్వలః శుభాయ ఖడ్గో భవతు చండికే త్వాం నతామయా. రోగాన శేషానపహాన్సి దుష్టా హృష్టాతు కామాన సకలానభీష్టా త్వామాశ్రితానాం త్వామాశ్రితాయాశ్రయతాం ప్రయాన్ని ేతాత్రకరాదికాన్యా విద్యాసు శాస్త్రేషు వివేకదీపే స్వాధ్యేషు వాక్యేషు చకాత్మధన్యా మహాత్మకరతే మహాధకారే బిభ్రామయతే శరదేవేశ్వం రక్షాంసి యత్రాగ్రవిశాశనాగా యత్రాదయోదశ్యువలాని యత్ర దావానలోయాత్ర తసాంసి మధ్యే తత్రాస్తి తాతాం పరిపాసి విశ్వం విశ్వేశ్వరీ త్వాం పరిపాసి విశ్వం విశ్వాత్మికాధారయసీతి విశ్వం విశ్వేశవంద్యా భవతి భవంతి విశ్వాశయాయే త్వయి వాక్తి నమ్రః దేవీ ప్రసీద పరిపాలయనోరభీతే నిత్యం యథా సర్వదా తదునేవ సత్యః పాపాణి సర్వజయతాం ప్రశమాం నయాశు ఉత్పాతపాఠజనితాం చ మహోపసర్గాన్ ప్రణతానాం ప్రసీదత్వం దేవీ విశ్వాతిహారిణి వైలోక్యవాసినామే లోకానాం వరదా భవ. దేవ్యోవాచ వరదాహం సర్గణాం వరం జన్మనసే చత ణుత్వం ప్రయశ్యామి జగతామపకారక. దేవాభూజు సర్వాభాష ప్రశమనం త్రైలోక్యశ్యాఖిలేశ్వరి ఏమేవ త్వయా కార్యం అస్మద్వేది వినాశన. దేభ్యోవాచ దేవస్వలేశ్వరే ప్రాప్తే అష్టాలేశ్వరి మే యుగే శుంభాని శుంభేవాన్యాత్మే మహాసుర నందగోపగృహే జాతా యశోదా గర్భసంభవ తమస్తో నాశయ శ్యామి వింధ్యాచరణి భాషణి
स्वर्णप्यतिरोधेन रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्यामि प्रचित्तान् सुधानवान् वाच्यन्त्याशानुग्रान् प्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति नाडि मे कुसुमोपमः ततो मां देवताः स्वर्गे मध्यलोके च मानवाः सुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सलनां रक्तधन्त्रिकाम् भोजस्य शतवार्षिक्या मना वृष्ट्या मनामसे मुनेभिः संस्कृता भूम सम्भविष्यामि योनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि धन्वने कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सदा क्षेमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समर्थवे भविष्यामि सुरः शाकेरावृष्टेः प्राणधारके शाकम् वरीति विख्यातिम् तला यास्यामहम् भवे तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्यम् महासुरम् दुर्गा देवेति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम् यदा भीमम् रूपम् कृत्वा हिमाचले रक्षा जीवक्षयिष्यामि मुनीनाम् प्राणकारणात् तदा मम या सर्वे स्वजन्तानम् प्रबोधयः भीमादेवीति विख्यातम् सर्वे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्य लोके महाबाधाम् करिष्यति तदाहम् रामरम् रूपम् कृत्वा जज्ञे षट्पदम् त्रैलोक्यस्य दाताय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरेते च माम् लोकाः सदा स्तोष्यन्ति सर्वदा इत्थम् यदा यलाभादाधानुभूता भविष्यति तदा तलावतीयाहम् करिष्याम्यरिसञ्चया सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सब का कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों के प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकर्म, माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षफल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। जहाँ स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होती है,
दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन ने मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान मां के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ओम विद्युत्ताम समाप्रभा मृगपते स्कंदस्थितां भीषणां कन्या भेकरभारखेत विरसत् हस्ताभिरा सेवितां हस्ते चक्र गदा चिखेत विशिखाश चापंगुणं तर्जने विभ्राणमणलात्मिकां च शिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ दिव्युवाच देवेस्तवेश्यमां नित्यं शोचते यः समाहितः तस्याहं सकलां वाचां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकेतवनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्लयिष्यन्ति एतद्वत्पदं शुम्भनिशम्भयोः अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमः नादेशां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतौ न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेशविजोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्यतो वा न राजतः न शस्त्रानरतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यते कस्मान्मणे तन्नाहात्म्यं पढेदभ्यं समाहितये शरभ्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तमिदत् उपसर्गान् शेषासो महामाने समुद्भवान् तथा त्रिवेदभक्त्वा माहात्म्यं शमये नमः यत्रेतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदानादद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बले प्रधाने भूयायाम् अग्निकार्ये महाशमे सर्वममेतच्चरितमुच्चार्यं श्रव्यमेव च जानता जानता वापि बलिभूयां तथा कृताम् प्रदेशिष्यामहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृताम् शरत्काले महापूजा क्रियते याशिवार्षिके तस्यामले तन्नाहत्रं शुक्ला भक्ते समन्वितः सर्वाबाधाभिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः शुक्लामले तन्नाहत्रं तथा चोत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्वयः अपमात् रिपवः सङ्ख्ययं जाते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसमाहात्म्यमाशृणुताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुर्गमदर्शने ग्रहपीडाधिचोग्रासु माहात्म्यं शृणुयाम उपसर्गः शमयन्ति ग्रहपीडाशदारुणाः दुःस्वप्नं च निर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जनेणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामचेतानां बलहानिकरं परम् रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वममेतन्मात्रं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्कार्घ्यधूपेश गन्धदीपेश सोत्तमैः विप्राणां भोजने रोमे प्रोक्षणीयराहनिशम् अन्ये चाभिविधैर्भोगे प्रधानैर्वत्सरेण या त्रिकिरणे क्रियते सास्मिन् सकृत् सौचरिते युते क्षुतमहरति पापानि तथा दोग्यं प्रयश्यति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं नमः युद्धे सुचरितं जन्मे दुष्टधत्यनिवारणम् यस्मिंश्चिदे भयलिङ्गतं भयं पुंसान्न जायते युष्माने तद् राजा च जाते ब्रह्मादिभिः कृताः न
ब्रह्मणा जगदास्ता सुप्रयच्छन्ते शुभामदे अरण्ये भ्रान्तदेवापि धावन्ति परिवारितः दस्युभिर्भावृता शून्य गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रान् जातो वा वने वा वनहस्यभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाग्रतो भद्रो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा पातेन स्थितः भूते महान्वे पदस्यो चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्वयन्ममेतचरितं नरो मुच्येत सङ्गणात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य भो मेलने सदा दूरादेव पलायन्ते समरत्रश्चरितो मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरीयत एभि देवा निरातङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागविजः सर्वे चक्रोर्विनहितारयः दैत्याशलेभ्यः निहते शुभ्रे देवायुधे जगदविध्वंसने तस्मिन् महोग्रे दुर्विक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययो एवम् भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपाल तन्मोयते विश्वम् सेवमीश्वम् प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानम् तुष्टा रिद्धिम् प्रयश्यते ज्ञातम् नयेत सकलम् ब्रह्माण्डमनुयेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवशेषे भवद्रया स्थितिम् करोति भूतानाम् सेवकाले सनातने भवकाले नृणाम् सेवा लक्ष्मीर्वृद्धिमृदाखे सेवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा सम्भोजिता पुष्पे धूपगन्धातिविस्तदा जलातिमित्तम् पुत्रा च मतिम् धर्मे गतिम् च वा तत्सिद्धकुञ्जिकस्तोत्र शिववाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तम येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीलापः शुभो भवेत् नागवचानाङ्गलास्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् नासोक्तम् नापि ध्यानम् च नान्यासो न जलाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलभवे अधिगुह्यतरम् देवी देवानाम विधुरम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयमेवपालने मारणमोहनम् वर्षम् सम्पनम् चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध कुञ्जिकास्तोत्रमत्तम ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे त्वां ग्लां ॐ क्लीं जां सः ज्वालय ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे ज्वल हंसं लंसं वट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्य नमस्ते मधुमर्दने नमः केतवहारिण्य नमस्ते महिषादने नमस्ते शुम्भहन्त्रेश निशुम्भासुरगादने जाग्रदहे महादेवे जपादित्यम् करोष्मे हेङ्कारी सृष्टिरूपाय हिङ्कारी प्रतिपालिका हेङ्कारी कामरूपिण्य बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाती च एकारे वरदायिने नित्ये च वयदानित्रम् नमस्ते मन्त्ररूपिणे धाम् ह्रीं धूम् धौजगे मदने भां ह्रीं भं भागधीश्वरे ह्रां ह्रीं ग्रों कालिका देवे ह्रां श्रीं ज्वं मे शुभं कुरु ह्रं हंकाररूपिण्य जं 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 भणादने ्रीं ह्रों भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चण्टं तं पञ्चं छं बिन्दुम् ऐं बीं हं छं द्विजाग्रं द्विजाग्रं श्रोणय श्रोणय नित्यं गुरु गुरु स्वाहा त्वां बीं भुं भारति पूर्णा तां किं त्वं केचरे तथा तां श्रीं त्वं सप्तरतिभ्य
Yeah.
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। साधक जन अपने दुखों को दूर करने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए इस मजगजन्य के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं। अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का श्रवण करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। वास्तव में इस सारा जगत जो है इस माँ भगवती महामाया के द्वारा जो है मोहित किया गया है। ज्ञानी नवचेतन से देवी भगवती सा भलादया कृष्ण मोहाय महामाया प्रजस्यति। जो भगवती महामाया जो है, जो बड़े ज्ञानियों को, तस्वियों को भी
मोह के गहरे गृहत में गिरा देती हैं, फिर सामान्य मनुष्य का कहने क्या। सारा जगत मोह में पड़ा हुआ है, चाहे वह धन मोह है, गृहस्थ का मोह है, संतान मोह है। इस प्रकार से संसार में आकर के जो जीव जो है ऐसे संसारिक मोह में पड़ता है, उसे ध्यान नहीं रहता है कि वास्तव में मुझे करना क्या है, मैं किस लिए जहां पर आया हूं और मैं कब तक यहां पर हूं। सब जानते हैं मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म उसका मरण भी निश्चित है, लेकिन फिर भी वह मोह में पड़ा हुआ है। तो वास्तव में जो सारा जग उस भगवती महामाया के द्वारा ही ये मोहित किया गया है, और उसकी कृपा से ही मनुष्य जो है ये जीव जो उस मोह से ये मुक्त हो सकता है। इतने नहीं, देवते मोहित होते हैं, अन्य देवगण जो है सभी जो है इस पर संकट में आ जाते, दुख में आ जाते हैं मोह के कारण जो है, और फिर इस माँ के शरणक धोकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ हमसे जहां पर भूल हो गई है, अपराध हुआ है, अब हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हम क्या करें, कहां जाएं। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए देवता जो है भगवती की उपासना करते हैं, माँ की साधना करते हैं कि भगवती प्रसन्न हो जाए और उसका आशीर्वाद मिल जाए, ताकि हमारे कष्ट हमारे दुख जो दूर हो, हम कल्याण को प्राप्त हो सके। इसलिए ब्रह्म विद्या स्वरूपणी उस भगवती की सभी जो है आराधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता भी उसकी आराधना करते हैं, और मृत्यु लोग मानव जो है वह उसी देवी की आराधना करते हैं, क्योंकि ऐसा वरदान है। देवता को वरदान देते हुए माँ ने स्वयं कहा है कि मृत्यु लोक में जो भी भक्तजन श्रद्धा युक्त होकर स्तोत्र द्वारा मेरा श्रवण करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, उनके सभी कष्ट उनके दुखों को मैं दूर कर करके सब वर्ष उनका कल्याण करूंगी, उनका मंगल करूंगी। वासुदेव भगवती जी हैं परम कल्याणमयी ही, मंगलमयी है, मंगल को देने वाली ही, कल्याण को देने वाली ही, सुखों को देने वाली ही, दुखों को नाश करने वाली ही। जो भक्तजन माँ के शरणागत होकर के भक्ति युक्त होकर के माँ भगवती के नाम का जप करते हैं, इस माया बीज का जप करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की जोत जगाते हैं, उन पर देवी की सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बन जाती है, और जिन पर देवी की कृपा हो जाती है उनके जीवन में कभी कभी विघ्न बाधा नहीं आती, कोई कष्ट नहीं आते। यदि कोई कष्ट को विघ्न बाधा आ भी जाए तो उनका पता नहीं चलता कि आए कैसे चले कैसे गए। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए जब भी कुछ भी कष्ट विपत्ति पहली बार जो है प्रतिदिन जो है भक्ति जो है माँ की भक्ति अवश्य करें, फिर कभी कष्ट आ जाए और अधिक भक्ति करें और प्रार्थना करें, माँ की कृपा होगी आपको उन कष्ट का पता नहीं चलेगा आए कैसे और चले कैसे। इसलिए भक्तजन जो है अति श्रद्धा पूर्वक माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को जानने के लिए माँ के दरबार में आकर के माँ से करवत यही प्रार्थना करते कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि में रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो देवता जब संकट में आते हैं तो किस प्रकार से माँ के शरणक धोकर, क्योंकि एक मात्र जो है जय भगवती, जब देवता संकट आते हैं उस संकट से जय भगवती जो है उनकी रक्षा करती है। ऐसे देते हैं जिन देवतों को देवता पराजित नहीं कर पाए, उन देवतों को जो है माँ ने पराजित किया है। ऐसे संभव कार्य जो देवता संभव नहीं कर पाए, उन असंभव कार्यों को इस माँ ने संभव किया है। इसलिए भगवती जब प्रसन्न होती है, अनुकूल हो जाती है, तो माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। और जब जब विमुख हो जाती है, विपरीत हो जाती है, तो तब तो संभव भी असंभव हो जाता है। इसलिए भगवती की पूजा, माँ की आराधना जो है, ये सब उसे परम कल्याण को देने वाली, सुखों को देने वाली है। कहते हैं कि एक बार श्रीमद देवी भागवत में सोनकादि ऋषियों ने
ये प्रश्न किया है सूजी महाराज जी को। सूजी जो ही श्रीमद देव भागवती कथा सुनाते हुए जो है ऋषि सुन ने कहा कि महाराज ये संकट विपत्तियां सब पर आती है। एक बार तो ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु का भी सिर जो था धड़ से अलग हो गया, और ऐसी बात सुनते ही सब ऋषिगण जो थे बड़े आश्चर्यचकित हुए। महाराज जो शिष्य के कर्ता धरते हैं उनका सिर जो है वह धड़ से अलग हो गया, ये कैसे हुआ? तब सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों कि एक समय की बात है भगवान विष्णु जो है प्रायः दैत्यों के साथ युद्ध करते रहते हैं। बहुत समय तक 10,000 वर्षों तक जो है वह दैत्यों के साथ लगातार युद्ध करते रहे। फिर जो है उन्हें अपने आप को थोड़ी थकान से महसूस होने रही, तो इच्छा हुई मैं विश्राम करूं। तो कहते वैकुंठ लोक में आकर के एक स्थान पर बैठ के पद्मासन लगा करके अब धनुष और बाण उनके पास था, तो धनुष को जो है सामने रख करके उसी के ऊपर अपने जी मस्तक को रखा और रख करके अलसाने लगे और बैठे बैठे ही सो गए। योग माया के जो अर्थात उस निद्रा देवी के अधीन होकर के वो योग माया के अधीन होकर के वह इस प्रकार सो गए, पतन चला। जी वास्तव में उसी की लीला थी। अब जो है भगवान विष्णु सो रहे थे, उधर समस्त देवगण जो एकत्रित हुए और विचार करने लगे कि हम कोई ऐसा यज्ञ करें, और यज्ञ करने का उद्देश्य ये था कि हमारा राज्य जो है निर्विघ्नता पूर्वक चलता रहे, अर्थात देवलोक में त्रिलोकी में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, ये उन यज्ञ का जो है उद्देश्य था। तो यज्ञ करने के लिए जब विचार किया तो उन्होंने कहा कि पहले भगवान विष्णु के पास चलकर के उनसे परामर्श लें, उनकी आज्ञा लें, उसके बाद जो है यज्ञ प्रारंभ किए जाए। तो कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा भगवान शिव जो है इंद्र समस्त देवगण जो है अब वैकुंठ लोक में पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास जब पहुंचे तो देखा भगवान विष्णु बराबर थे नहीं, तब ध्यान लगा कर देखा तो जिस स्थान पर भगवान विष्णु विराजमान थे वहां पर चले गए और देखा भगवान विष्णु सो रहे हैं। धनुष पर यह प्रत्यक्ष चढ़ी हुई है, डोरी चढ़ी हुई है और उसी को जो है अपने जो गर्दन के नीचे रखा हुआ है और वह सो रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि जो मनुष्य सो रहा है, जो व्यक्ति सो रहे हैं उसको जगाना जो है ये धर्म विरुद्ध है, नींद से जगाना उचित नहीं है। तब सब देवता निर्णय किया कि हम यहीं पर बैठ करके भगवान विष्णु के जगने की प्रतीक्षा करेंगे। वहीं बैठ के और प्रतीक्षा करने लगे। जब बहुत समय तक भगवान विष्णु जगे नहीं तब जो है इंद्र ने देवता को संबोधित करते हुए कहा कि यद्यपि ठीक है किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध कार्य है, परंतु यज्ञ का कार्य है तो किसी तरह से भगवान विष्णु को जगाना चाहिए, कोई उपाय कीजिए। तब उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि आप कुछ सोचिए, कोई उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा ने उस समय जो है भमरी नाम का कीड़ा होता है उसको उत्पन्न किया, भमरी को उत्पन्न किया और उसको आज्ञा दी कि आप जो है जी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, आप इसकी डोरी को काट दीजिए, नीचे से डोरी को काट दीजिए। जब धनुष की डोरी कटेगी तो धनुष ऊपर की उठेगा, उसके झटके से जो है भगवान विष्णु जग जाएंगे, देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाएगा। तब भमरी नाम का कीड़ा ब्रह्मा से कहने लगा, महाराज ये ऐसा कार्य निकृष्ट कार्य मैं क्या करूं, मैं कब भगवान विष्णु की जो है निद्रा भंग करूं, जो देवताओं के राज्य देव हैं मैं उनकी निद्रा भंग कर दूं, मैं कौन जो धनुष की डोरी काटूं। महाराज कोई भी जीव जो है जब भी कोई ऐसा निकृष्ट कार्य करता है उसमें उसका कोई ना कोई निजी स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के इस प्रकार को कार्य को करता ही नहीं। कोई बुराई करनी होती है तो उसमें उसका स्वार्थ नहीं होता है, तो मैं क्या करूं, मुझे क्या लेना देना इससे, भाई यज्ञ आपने करना है, स्वार्थ आपका है, तो मैं बीच में क्यों। ब्रह्म ने कहा देखो भमरी, हम जो है आपको यज्ञ में भाग दिया करेंगे, यज्ञ भाग आपको प्राप्त हुआ करेगा। यज्ञ करते समय जो है जब हवन किए जाते हैं तो हवि जो है आप हवन यज्ञ कुंड में डालते हैं, जो हवि हवन जो है यज्ञ कुंड से बाहर गिरता है
ब्रह्मा ने उसको कहा कि वह अभी जो है वह यज्ञ भाग आपका होगा, इसलिए उसको बाहर से उठा करके अंदर नहीं डाला जाता है, वह भाग भ्रमरी का है। तो उसने कहा कि भाग यज्ञ का भाग आपको जो प्राप्त होगा, इसलिए अब तो आपका स्वार्थ हो गया, अब जो है इसको काट दीजिए। ब्रह्म ने कहा कि अब ठीक है, यज्ञ का भाग मिलेगा, इसलिए अब मैं भी काट देता हूँ। अब हमरे ने जो है नीचे जमीन पर जो लगी हुई वह धनुष की डोरी जो थी उसने उसको काट दिया। जैसे काटा कहते हैं, डोरी कटते ही बड़ी जोर का बड़ा भयंकर शब्द हुआ और सर्वत्र अंधकार ही अंधकार हो गया। सभी देवगण घबरा गए, न जाने अब क्या होगा। अंधकार शांत हुआ, देवताओं ने देखा कि सामने भगवान विष्णु जो है उनके धड़ के साथ सिर ही नहीं, सिर ही उठ गया। अब सिर्फ हीन जो भगवान विष्णु वहां बैठे हुए हैं, सब देवगण रोने लगे, यह क्या हुआ। अब जो है सब बड़े देवगण दुखी हुए, रोने लोगों की आंखों में आंसू हैं। तो समय ब्रह्मा ने समस्त देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, आप घबराइए नहीं, जिस सब काल के प्रेरणा से होता, जो होना होता जिस समय वह होकर के रहता है, इसलिए आप इसको रोक नहीं सकते। काल की प्रेरणा से एक बार भगवान शिव ने मेरा ही शीश काट दिया था, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा का शीश काट दिया था, कोई घटना हुई थी तो भगवान शिव ने जो है काल की प्रेरणा से ही जो भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरा सिर काट दिया था। और इतने नहीं, इंद्र को भी कष्ट भोगना पड़ता है, इनका राग सिंहासन चला गया और मानसरोवर में कमल की नाल में कई समय तक, बहुत समय तक जो है वह कई वर्षों तक उस नाल में कालक्षेप करते रहे, राज्य चला गया। तो लौकिक राज्य इंद्र का था, परंतु देवता ने किस कारण से जो इस प्रकार से अब इंद्र का राज्य भी चला गया, वो भी संकट में आ गए। इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए, इस समय एकमात्र माँ भगवती की शरणागत होकर के वो देवी से प्रार्थना कीजिए। माँ भगवती आदिशक्ति माँ जगजननी का स्मरण कीजिए, वही जो इस कष्ट से हमें मुक्ति दिला सकती है। अब जो है उस समय ब्रह्मा ने वेदों को जो है आज्ञा दी और वे जो थे वह भेद धारण कर करके सामने प्रत्यक्ष खड़े हो गए। उन्होंने आज्ञा दी कि आप जो है माँ भगवती की स्तुति करें। सब देवगण जो माया भीज द्वारा भगवती का जप करने लगे। इस प्रकार से बहुत समय तक जो वेदों ने जो है माँ की स्तुति की, देवताओं ने माँ से प्रार्थना की, माया भीज का जप किया और माँ भगवती आदिशक्ति देवताओं पर प्रसन्न हुई। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब प्रसन्न हुई तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि देवताओं मैं आप पर प्रसन्न हूं, आप चिंता मत कीजिए, जो आपके इस जीवन में जो है जो कष्ट विपत्ति आई है इस कष्ट का निवारण सुनिए। भगवान विष्णु का सिर जो है जो दर से अलग होकर के क्षीर सागर समुद्र में जो है लहरा रहा है और बिना कारण कोई कार्य होता नहीं, प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। भगवान विष्णु का सिर कैसे कटा, किस लिए कटा, इसका कारण सुनो। एक बार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जो है जो वैकुंठ लोक में विराजमान थे, बैठे हुए थे आमने सामने, भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी के मुख की ओर देखा और देखते ही हंस पड़े। जैसे भगवान विष्णु उनके मुख को देख करके हंस पड़े, तब सात्विक गुण वाली माँ लक्ष्मी जो थी उसमें तामसिक शक्ति का समावेश हुआ। माँ लक्ष्मी को क्रोध हुआ, भगवान विष्णु मेरे मुख को जो देख करके हंसे क्यों, कोई ना कोई तो कारण होगा। तब तामसिक शक्ति का जब समावेश हुआ तो माँ लक्ष्मी को क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो उसने कहा कि आपका ये सिर जो है ये गिर जाए, एक तो ये कारण है, माँ लक्ष्मी ने शाप दे दिया था। दूसरा कारण सुनो कि मेरी शक्ति जो है तामसिक शक्ति जो है, तामसिक शक्ति जो है उसका श्रवण किया है हय ग्रीव नाम का दैत्य, जिसने जो है
बड़ी घोर तपस्या की ही और निरहर व्रत करते हुए जो है मेरी तामसी शक्ति जिस रूप का उसने ध्यान किया है, मुझे प्रसन्न किया है, उसी रूप में मैंने उसको दर्शन दिए, उसको वरदान मांगने के लिए कहा, तो उसने कहा, कहते कि भाई कई वर्षों तक तब करता रहा वह दैत्य जो था हयग्रीव। हयग्रीव क्या है कि शरीर जो है मनुष्य का है और गर्दन जो है घोड़े की है। हय घोड़े को कहते ग्रीव, गर्दन को हयग्रीव। तो घोड़े की गर्दन है, शरीर मनुष्य का है, ऐसा हयग्रीव नाम का दैत्य जो है जिसने माँ भगवती जी की आराधना की तप किया और तामसिक शक्ति के स्वरूप का ध्यान करते हुए उसने भगवती का स्मरण किया और जिस स्वरूप का वह ध्यान करते हुआ माँ की इसने साधना की तप किया उसी रूप में भगवती आदि शक्ति ने उनको दर्शन दिए। जब दर्शन दिए और कहा कि आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, आपकी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांगो, तो कहते उस समय हयग्रीव जो था खड़ा हुआ, माँ के चरणों दंडों पर नाम किया, फिर दोनों हाथ जोड़ करके माँ की स्तुति की कि माँ आप सृष्टि पालन और संहार तीनों का कारण आप ही हैं, सृष्टि की रचना आप करने वाली हैं, इस सृष्टि को धन करने वाली आप हैं, ये पृथ्वी के रूप में आप ही विद्यमान होकर के जगत को धन करती हूँ, आप सब जानते हैं बच्चे क्या चाहते हैं, माँ तो माँ होती है, इसलिए क्योंकि उसमें साधना की उसमें बुद्धि ठीक काम कर रही थी। दैत्य जो है अब प्रार्थना करता कि माँ मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे मृत्यु का मुख देखना ना पड़े, अर्थात मेरी मृत्यु ना हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। सब जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहता, परंतु जिसका जन्म उसका मरण जो है वह निश्चित है, कारण कोई भी बने। तो माँ ने कहा देखो बेटा, जिसका जन्म उसका मन निश्चित है, आप सोच विचार कर वरदान मांगी। तब फिर उसने कहा ठीक है, यदि ऐसी बातें हैं तो हयग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु होनी चाहिए, जैसा मेरा स्वरूप है, मेरे स्वरूप जैसा ही हयग्रीव जिसकी घोड़े की गर्दन हो, दूसरा कोई था नहीं ऐसा, भाई जानता था मेरे जैसा कोई है नहीं, होगा नहीं, तो इस प्रकार से जो है अब मुझे कोई मार नहीं सकेगा। माँ से वरदान प्राप्त कर लिया, माँ ने कहा कि तथास्तु ऐसा ही होगा, वह मेरी शक्ति जो थी अर्थात मैंने उसे जो वरदान दे दिया कि हयग्रीव के हाथों ही तेरी मृत्यु होगी। इस समय वह दैत्य जो है ये बहुत बड़ा कार्य आपका सिद्ध होने वाला है इस समय, क्योंकि कोई ना कोई किसी भी कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। अब जो है वह दैत्य समय ऋषि मुनियों को देवताओं को सबको कष्ट दे रहा है, इतने शक्तिशाली है उसको कोई मार नहीं सकता हयग्रीव के अलावा। इस प्रकार से उसको इतना अभिमान हो गया है, अब मेरे जैसा दूसरा है नहीं, होगा नहीं, तो मुझे मारेगा कौन, उसको अहंकार हुआ। जब अहंकार होता है शक्ति का तो व्यक्ति करता क्या, दूसरे को दुख देता है, कष्ट देता है। जो अपनी शक्ति का देव कृपा जो शक्ति प्राप्त होती है, यदि व्यक्ति जो शक्ति का सदुपयोग करता है तो वह साधक कल्याण को प्राप्त हो जाता है। तप किया, इतनी बड़ी तपस्या की, वरदान भी प्राप्त कर लिया, परंतु जब अभिमान हुआ दूसरों को दुख देना शुरू कर दिया। दूसरे को दुख देने से सुख की प्राप्ति नहीं होती, उससे क्या होता है, स्वयं का ही सर्वनाश होता है। जैसे रावण ने सब प्रकार की शक्ति प्राप्त कर ली तो दूसरों को दुख देना शुरू कर लिया, तो हुआ क्या, सर्वनाश। दुर्योधन ने जो है अनेक शक्ति प्राप्त की थी, इतना शक्तिशाली था, गदाधर उसके समान को था नहीं, तो भी जो है क्या हुआ, सर्वनाश। कंस अनेक उदाहरण है, जिन शक्तियों का दुरुपयोग किया है उनका अंत में सर्वनाश हुआ ही हुआ है। अब जो है माँ भगवती आकाशवाणी करते कह रही है कि आप जो है भगवान विष्णु के धड़ के साथ जो है घोड़े का सिर जो है जोड़ दीजिए, जो कार्य जो ब्रह्मा जी के हाथों संपन्न होगा और हयग्रीव अवतार होगा और भगवान विष्णु हयग्रीव अवतार में जो है उस दैत्य का युद्ध कर करके उसकी जीवन लीला समाप्त करेंगे, आपका कष्ट आपका दुख जो है सब दूर हो जाएगा। बोलो सच्चे द्रवा। आप माँ ने जो मार्गदर्शन किया है, तब देवता ने ब्रह्मा से कहा महाराज जो शीघ्र जो कार्य जो है शीघ्र कीजिए। तब ब्रह्मा ने घोड़े का सिर लेकर के
भगवान विष्णु के धड़ के साथ जोड़ दिया और जो है हयग्रीव अवतार हुआ, भगवान विष्णु का स्वरूप जो है चार भुजा है और जो है उनकी गर्दन जो घोड़े की है, ऐसा उनका एक स्वरूप जो है वह दिखाया जाते हैं। तो स्वरूप में जो है हयग्रीव दैत्य का उन्होंने वध किया था, अब हयग्रीव अवतार हुआ, सभी देवताओं ने हयग्रीव भगवान की जो है स्तुति की। उसके बाद कहते हैं बहुत समय तक जो है उस दैत्य के साथ भगवान विष्णु युद्ध करते रहे, फिर जाकर के वो दैत्य को वह मार सके। और दैत्यों का जब दैत्य के समाप्त हुए तो जो है देवता का कष्ट उनका दुख जो था उनसे उनको मुक्ति मिली। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए कहते हैं ये कथा श्रीमद देवभक्ति जी कथा जो मैंने आपको सुनाई है, इसके सुनने से और हयग्रीव का स्मरण करने से, भगवती का स्मरण करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है, बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं जो भगवती के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए भगवती आदिशक्ति की आराधना, माँ की पूजा, माँ की उपासना है, ये सब ओर से कल्याण को देने वाली है, कष्टों को दूर करने वाली है, दुखों को नाश करने वाली है और सुखों को देने वाली है। जो भी भक्तजन माँ के शरणागत होकर के इस माँ भक्ति जगजन की आराधना करते हैं, माँ की अर्चना पूजा करते हैं, माँ भगवती के नाम का जप करते हैं, उन पर सदा सर्वदा इन तीनों देवियों की पूर्ण कृपा बनी रहती है। और जिन भक्तों पर इन तीनों देवियों की माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती की कृपा हो जाती है, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। तो माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की आराधना, भगवती के मंत्र का जप जो है और माँ के दरबार में आकर के तीन पिंडी ग्रह में माँ के दर्शन, जिनके दर्शन के आप माँ के दरबार में आए हैं, माँ के दर्शन करना, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना, ऐसा करने से मनुष्य पर जो है भक्तों पर इन देवियों की तीनों देवियों की कृपा होती है। और जिन भक्तों पर तीनों देवियों की कृपा होती है उनके सब कार्य जो है वसिद्ध होते हैं, उनके समस्त मनोबल सिद्ध कामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके जीवन सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाते हैं। सभी माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे, इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके अपने जीवन में ऐसा निज बना लीजिए कि प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोत जगाएं, इस मंत्र का जब करें, एक माला तो जब अवश्य करें और अधिक से अधिकम फलम, जितना अधिक जब करेंगे पाठ करेंगे उतना अधिक उसका फल होगा, माँ की विशेष कृपा होगी। और इस प्रकार से भगवती की आरती करें, माँ से क्षमा प्रार्थना करें, प्रतिदिन माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें तो आपके जीवन में आपके गृहस्थ में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं। आगे सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबारे की जय। तभी भजन की बेलन आवेदन कर श्री जयपाल से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते श्री जयपाल। जय कर श्री बलि बोल सच्चे दरबार की जय। शेरो वाले बोला लो हमें स्वर आने के काबिल अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाथ दीजिए। हाथ सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्त के हृदय से विचार करें, आपके झोलिए भरे, आपको आराध्य पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भरते तरह से।
हमको परेशान किया है। गम ने मारा गम ने सताया हो गम ने हमको परेशान किया। गम ने मारा है गम ने सताया गम ने हमको परेशान किया है। गम ने मारा है गम ने सताया हो गम ने हमको परेशान किया है। हम इस कदर दब चुके सर उठाने के काबिल नहीं है। हम इस कदर दब चुके हैं सर उठाने के काबिल नहीं है। जिंदगी मौत से लड़ रही है जिंदगी
काबिल नहीं है। जिंदगी मौत से लड़ रही है, लब हिलाने के काबिल और
तो इस भूमि पर हो तमा का अवतार
जय करा मेरी शिरोमणि मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। भजन प्रस्तुत करेंगे श्री यशपाल जी। जय कर शरण ढोल सच्चे दरबार की जय। मंगी मैं मुराद सदा मेरे कोलो लईए मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोलो लईए मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोलो लईए तेरे कुर्बान मैनू लोड़ तेरी लईए ओ तेरे कुर्बान मैनू लोड़ तेरी लईए मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोलो लईए मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोलो लईए तेरे कुर्बान जिंदगी दे दिन कटे तेरे ही सहारे ते राज मेरी मेरी कह दो जिंदगी किनारे ते राज मेरी कह दो जिंदगी किनारे ते तू भी ना सुने ते दस और कीनू कई तू भी ना सुने ते दस और कीनू कई तेरी मंगी मैं मुराद
स्वरगांगणे भेन मृदंग शंख रे ननाद रपगे मन कोलाहल कलित वस्त्र विद्याधर नृत्य कला सुखाय ज्योत वाली माता तेरी सदा माँ भगवती की असीम मनोकंपा से आप भक्त जनों को सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रही और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में आपके गृहस्थ में सुख समृद्धि हो, आप उत्तरोत्तर उन्नतिशील हो, उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णवी हर स्थान पर देश विदेश में अंग संग आपकी रक्षा करें, आपकी दीर्घायु करें, सर्वत्र आपका मंगल मंगल करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्ते। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी द्वार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भाने भव श्रीमान शशि भव प्रज्ञा भाने भव भूर्भुवन करणे दाने गणेश भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भ दलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पिंड सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशस्व मित्रेणाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्मारोग्यमाविदा शुभमानम हियते धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभ सत्संवत्सरम दीर्घमाय अस्तु दीर्घमाय। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, समृद्ध होना चाहेंगे। ओम जय Oh, no, no, no.
श्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः दुर्गा माता की जय कृष्ण माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी मां भगवत की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां भगवत की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और मां भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलना प्रार्थना करेंगे। संभल कर बोलना ओ देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि यशो देहि ध्वजो देहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन दुःखभाग् भवेत् और मन मां भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए, मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। रथ में गुरु जी को वंदना आनंदी आनंद
करो कल्याणी कल्याण माया जो कहे जो सतगरी जो जरना दा ध्यान जय हरे मुरारे मुरारे गोविंद
ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवान् नमोस्तुते सत्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पंचफूला रामी माता तेरी सदा कंदाबला कन्हाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सदा भुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा गुफा विच निवास करने वाली माता तेरी सदा लंकड़ा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत वर्ष हर हर महादेव गुरु बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय बोलो सच्चे सरकार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे सरकार की जय देवी परिपूर्ण प्रदेश को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शरण वाली दा।